सिंगापुर का कोई गुरु ओपन ही कर दूंगा क्या क्या बोलो इससे बोलो ओ भाई ओ भाई वो मार दिया वो मार दिया वो मार दिया मॉर्निंग गाइज वेलकम बैक टू आर व्लॉग। आज हमारा व्लॉग बनाते हुए तीसरा दिन है और सॉरी क्योंकि मैंने सुबह उठकर ही देखा कि हमारी वीडियो में कोई ग्लिच आ रहा था, वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी, हमने वो ठीक कर दिया है। और सीरत ने ये दूध भी अपना फिनिश कर दिया है सुबह वाला और अभी फिलहाल वो गुस्सा है। सीरत गुस्सा हो? क्यों गुस्सा मेरा बच्चा, क्यों गुस्सा? अरे बाबा इतना गुस्सा सीरत, अरे क्यों गुस्सा है यार, मान जाना। क्यों गुस्सा हो? गाइस की वजह से? अच्छा हाय कर दो। हाय। और मेरा फीवर ऐसा ही है, अभी मैं खिली खिली इसलिए लग रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट उतरा है सुबह 7 बजे, तो इतना हाय था पूछो मत। और ये मेरे से बोले ने ठीक कर दिया वीडियो, ऐसे रात को खराब क्यों कर दी भाई साहब? बंदा थका आ रहा, दिन के अंदर आए रात को 3-3 बजे तक वीडियो एडिट करे, उसके बाद भी तुम कहते हो गलती क्यों हो गई। अब गलती क्यों हुई ये मेरे को थोड़ी ना पता है, ये ग्लिच है, अब यूट्यूब का ग्लिच है, मेरी गलती थोड़ी ना। खुश हो रहा है ना, अब वीडियो दोबारा डाल दिया है, रोना शुरू कर देते हो क्यों जिंदगी में? तो दुखी क्यों हो तुम? क्योंकि अब तो सेलिब्रिटी हो गई है ना, अब एटीट्यूड आ गया। हां इनको कल से ये लग रहा है कि मैं सेलिब्रिटी हो गई हूं और मैं भाव नहीं दूंगी, मैं सच्ची में नहीं दूंगी यार। तो आ गए हैं किचन में, आज मम्मी बना रही है ब्रेकफास्ट क्योंकि मैं अंकित के साथ वीडियो बनाने में थोड़ा बिजी थी उसको ठीक करने में। और लेकिन मेरा पराठा मम्मी नहीं बनाएंगी, मेरे लिए बनाएगी सीरत। सीरत आप मम्मा के लिए क्या कर रहे हो? ये देखो सीरत मेरे लिए एक पराठा बना रही है, बहुत स्वाद बनाएगी सीरत मेरे लिए, बहुत स्वाद। तो यहाँ पे हमारी चाय और आज फिर है हमारे पास मूली के पराठे जो हमने परसों खाए थे, क्योंकि हम गैस बनाने में और छोड़ने में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो हम हर दूसरे दिन मूली का पराठा खाते हैं। ये है इस लड़की के काम, हम भात पी रहे थे चाय और देखो इसने दही की कटोरी वो नीचे फेंकी है, यहाँ से शायद दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी, वो टुकड़े टुकड़े हो गए, वाइट टुकड़ा दिख रहा है उसका, वो पड़ा हुआ है। सीरत क्यों फेंकी है, किसने किया ये? किया ये सिया ने? तो आप ऐसे काम क्यों करते हो सिया? पापा पापा क्या करेंगे इसमें? पापा। तो मैं जीजू का व्लॉग देख रही थी अभी, उसमें बहुत सारे मतलब 7 से 8 कमेंट है कि प्रिया को बोलो अपना नागिन डांस दिखाए, तो मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा मेरा नागिन डांस है कौन सा। मैंने बहुत पहले एक इनोवेशन निकाली थी जिसमें मैंने नागिन वाली ओपनिंग दी थी वाली, बट उसके अलावा मेरा कौन सा नागिन डांस है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा इलेबोरेट करो नागिन डांस कौन सा है, फिर मैं और मेरा कहाँ गया मेरा नाग, मेरा नाग दोनों वो डांस करेंगे क्या दादा? टांच, हाँ टांच बोल ले, वो हम करेंगे। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम दोनों की वो है, क्या है हमारी, क्या है हमारी, लव मैरिज। तो जैसे कि हम दोनों की लव मैरिज है, तो हमारी लव मैरिज की जो स्टोरी है वो बहुत 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 ही ज़्यादा भयंकर औसम है। तो अगर आप कहोगे तो हम आपको अपनी लव स्टोरी भी बताएंगे, एक स्पेशल ब्लॉग हम अपनी लव स्टोरी पे बताएंगे जिसमें मैं इनकी और ये मेरी जम के बेइज्जती वाली तारीफ करेंगे। तो आपको बताना अगर आपको वो भी चाहिए, तो ये हमारा प्यार ही है जो लड़ाई ये हो गई है, फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा है। ये देख रहे हो आपके फ्यूचर ब्लॉगर को क्या बोला, मैं थोड़ी सी फेमस हो जाऊं मैंने बात ही नहीं करनी भैया, आउट आउट। मैं अभी आउट हो रहा हूं। तो हम लोग हो गए हैं बिल्कुल रेडी, हम लोग सोच रहे हैं कहीं जाने का, थोड़ा मोटा सामान लेना है घर का, तो फिर मैंने सोचा कि अकेली क्यों जाऊं, मम्मी को भी ले जाती हूं, सीरत को भी ले जाती हूं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। और मैंने लगाए हैं अपने नए शेड्स, ये देखो बताना कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो में 20 से 25 लाइक एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं और मैं वीडियो में 2000 का खर्चा कर देती हूँ, दिल देखो मेरा कितना बड़ा है। मेरे साथ साथ रेडी हो गई है मेरी सीरत, उसको भी दिखाती हूँ। ओहो बड़े क्यूट लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो इतने क्यूट बन के? दहेजा जा रही हो? हाय करो सबको, बोलो कैसे लग रहे हो आप, कैसे लग रहे हो आप लड्डू? तो बस अब हम लोग रेडी होते हैं, बस मुझे हेयर कॉम करने हैं, उसके बाद मैं जाऊंगी। आप लोग प्लीज बताइए मेरे नए स्पेक्स कैसे लग रहे हैं।
सीरत बड़े सुंदर लग रहे हो, इधर आना जरा। आए हाय, ओए होए। तो हम लोग घर से निकले थे 2 बजे और हम घुसे हैं घर में 9 बजे। मतलब इतना टाइम हम बाहर रहे हैं, सच में इतना सर दर्द हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी, बुखार वगैरह में रेस्ट करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी उल्टी चलती हूँ मैं और घूमती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं फ्यूचर व्लॉगर हूँ, तो मुझे इन सारी परेशानियों को झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो सीतू तो इतना थक गई थी, मेरी बच्ची वो आते ही सो गई है। ये देखो, ये ना मेरा गुगला, ये सो गया है। मम्मी कपड़े चेंज कर रहे हैं। आज खाने में अंकित को स्पेशल फील कराने के लिए मैं बनाऊंगी सीख रोल, इतना थकने के बाद। पर पति तो हमारा भगवान होता है ना, तो फिर बनाना पड़ता है, तो मैं उनके लिए ये करूँगी। तो उसके लिए मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, तो जो रहती बची है वो जब आएंगे, 12:30 आते हैं वो रात को, तब करूँगी। बाकी हम गए थे सबसे पहले शंकी भैया से मिलने, शंकी भैया के हमने हालचाल पूछा, उसके बाद हम गए बबलू भैया के घर, उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी। शंकी भैया को हम ज़रूर दिखाते बट हमने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी उनकी तबीयत थोड़ी सी वो रिकवरी मोड पे है और पर्सनल लाइफ सबकी होती है, तो मैंने उनको लेना ठीक नहीं समझा क्योंकि अभी वो अपना पर्सनल लाइफ को इन्जॉय कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने उनको व्लॉग में नहीं लिया। अभी आप लोगों को बताया था कि हम शंकी भैया से मिल के अपडेट वपडेट ली, उसके बाद जस्ट मैं लेटी ही थी कंबल करके, इतने में बजी बेल, और बेल बजने के बाद गेट खोलते ही मिला सरप्राइज। इनको आप जानते ही होंगे, ये है मेरे पति, तो बेल खोलते ही ये मेरे सामने आ गए, जो घर में 12:30 बजे मेरा पहले प्लान था इनको पागल बना देगा, लेकिन फोन मेरा, मेरे पास अगर प्रिया वाला फोन होता ना जिसमें वीडियो बनती है आजकल, पहले मेरे फोन में वीडियो बनती थी, लेकिन अब आजकल प्रिया के फोन में बन रही है, तो मैं इनको बेल बजा के मैं ऊपर वाली छत पे ऊपर वाले फ्लोर पे भाग जाता हूं, ये ढूंढते रहते कौन है कौन है कौन है। तुम्हारी बेल बजाना मुझे पता है ना, मैं एक बेल बजा के तुम सांस लेते हो, दिमाग के अंदर ना प्लानिंग थी, तुम जब भी सांस लेते हो मुझे बदबू आ जाती है, मैं पहचान लेती तुम हो, मतलब मुझे पता लग जाता है मेरे पति का। तो बेसिकली ये जल्दी आ गए, इन्होंने मुझे सरप्राइज दे दिया है, सीरत सो गई है, थकी हुई थी, मम्मा भी थक गए हैं क्योंकि ऑब्वियसली एज फैक्टर भी हो जाता है, बहुत सी चीजें हो जाती है, नहीं कर पाती, आलसी है ना काम करने में, नहीं वैसे अच्छी है लेकिन इतनी आलसी है, अगर इसको बोला मैंने कहा भूख लग रही है कुछ खाते हैं, कहती नहीं हम लोग बाहर से खा के आए हैं, बाहर चल लो खर्चा कर लो और खा लो। ये चीज को गलत प्रूफ करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं अपने पति के लिए थकने के बावजूद 2 बजे की निकली, 9 बजे आने के बाद भी मैं उनको सीख रोल खिलाना चाहती हूँ। बहुत ही बेकार है यार, है कोई जैसे कुकर बदला जाता है कोई एक्सचेंज ऑफर। तो फाइनली मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी शक्ल से देख सकते हो मैं बहुत खुश हूँ। एक तो मेरा पति मुझे डेट पे लेके जा रहा है फाइनली, ये है मोमोज डेट, और दूसरा हम एक शॉप पे थे, अपनी गली से ही निकल रहे थे, तो वहाँ पे हमें एक फॉलोअर मिले, एक सब्सक्राइबर मिले, उन्होंने बोला मैडम इतने लेट ब्लॉग क्यों डाला, और मेरा उनसे 3 बार सेम क्वेश्चन था, आप मेरे फैन हो, आप मेरे फॉलोअर हो, आप सच में मेरे सब्सक्राइबर, मतलब यार सच्ची में मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे फैन है, वाह जी वाह, मैं तो बड़ी खुश होगी, मेरा तो दिन क्या रात बना दी उन्होंने, तो रात हो रही है ना, मजा आ गया। कि तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन मैं उसको वीडियो में भी लेना था लेकिन हाँ। आगे से गाड़ी आ गई, पर प्रॉब्लम ही हो गई थी, गाड़ी क्रॉसिंग पे आ गई थी, तो हमें उस गाड़ी वाले को भी स्पेस देना था, तो इस वजह से हम उनको ले नहीं पाए, बट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इट वॉज सच अ प्लेजर मीटिंग यू। ये लाइन मैंने 3 सब्सक्राइबर, मतलब जो अभी मिलेंगे ना सब्सक्राइबर, उनके लिए मैंने याद करी है ये। तो हम जा रहे थे डेट पे, बट अभी जस्ट हम घर से निकले ही हैं, मम्मी का कॉल आ गया कि सीरत बहुत ज़्यादा रो रही है तेरे बिना, प्लीज़ आ जा, तो मैं वापस जा रही हूँ सीरत को लेके, फिर हम पेरेंट्स वाली डेट पे जाएंगे। पहले हम अकेले जा रहे थे, अब हाँ, पहले हम कपल डेट पे जाते थे, अब हम पेरेंट्स डेट पे जाएंगे, बट कोई बात नहीं, वो हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी है, मम्मी अगर आ गई तो फिर हम फैमिली डेट पे जाएंगे। हाँ मम्मी आ गई तो फैमिली डेट पे जाएंगे, बट मम्मी का यही है कि वो ब्लैंकेट में घुस गए हैं कपड़े चेंज करके, ऑब्वियसली मुश्किल होता है। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि बहुत सी दिक्कतें आती रहती हैं, पहले हमारी थी कपल डेट, फिर हमारी हुई पेरेंट्स डेट, अब फाइनली हमारी हो रही है फैमिली डेट, क्योंकि मम्मी भी हमारे साथ आ गए हैं, ठीक है, तो अब हमारी फैमिली डेट है, और ये डेट ना कुछ ज्यादा ही बड़ी होती जा रही है। हाँ, क्योंकि अब प्रीति दी और जीजू भी बोल रहे हैं कि हम भी आ रहे हैं, उनका ही पता आ गया कि हम भी वही आ रहे हैं। हाँ, तो ये वो एक पिक्चर की तरह लग रहा है ना कि माँ बाप को अकेले नहीं सोने देते, कुंडी लगा लेते थे, कौन सी थी, बधाई हो वाली, ये डेट वैसी होती जा रही है, मेंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना शीतू, तू मम्मा के बिना नहीं रह सकता था। ये देखना कितनी लालची लड़की है, मैं ये सीरत के लिए मोमो लेकर आया था, मैंने कहा इसको खिलाओ और पहले खुद खा रही है, खोल रही हूँ, ठंडा करा है, ठंडा करा है, खा के ठंडा थोड़ी ना होता है, हाथ से भी खुल जाता है।
शीरत अब क्या करे, ये तो मम्मी ने खा लिया यार, अब ये जानबूझ के खिला रही है वीडियो के अंदर ताकि ना दिखा दूं कि मैं इतनी लालची नहीं हूँ। मुझे अच्छा दिखना है। अच्छा है, टेस्टी है। कैसा है? टेस्टी है भाई, इसका मतलब होता है टेस्टी है। ये लो शीटू। अरे मुझे नहीं खाना यार। अबे तुम्हें नहीं, हाथ कांप रहा है तो ऐसे ऐसे जाएगा। ये बेटा हाथ कांपने की, ये हाथ कांपने की वजह से नहीं होता, ये कोई गलत हरकतें, गलत काम, गलत नशे करो तो ये होता। नहीं जी, ठंडा है तो ऐसे जा रहा था, कह रहे मुझे नहीं, हद है यार। तो ये लग गए हैं हमारे मोमोज, ये अफगानी, सॉरी ये अफगानी, ये तंदूरी, ये चटनी, और इनकी ब्रांड एम्बेसडर अभी रस्ते में है, उनके आते ही मैं आपको मिलवाऊंगी। ये आ गई रुमाली। एक तो इन्होंने मेरा खून पी लिया, कहते अपना बच्चा पकड़ा दे, बस मुझे व्लॉग में दिखा के बोल दे इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये मेरे बच्चा पकड़ लेंगे आपके। हर जगह क्यों आते हो, मैं फैमिली तो डेट पे आई थी, प्लीज कर लेना भाई। अरे भैया पहले निकली, मैंने कहा आज हम कपल डेट पे जा रहे हैं, मम्मी फोन करती सीरत रो रही है, मैंने कहा अब हम पेरेंट्स डेट पे, मम्मी कह रही मैं भी चल रही हूँ, मैं कहा भैया फैमिली डेट, थोड़ी देर बाद पता चला प्रीति दी कह रही हम भी आ रहे हैं, मैंने कहा भैया खानदान डेट पे जा रहे हैं। एक लाख नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, मम्मी ने बताई नहीं है, एक ही है तुम्हारा बेटा, मेरे पांच है। प्रीति दीदी इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रीति को बीटो बीटन कॉफी। तो फिर इससे मोमो आपके पास सूप है, ये क्वेश्चन क्या है? ये कह रही है भैया आप सूप भी रखते हो, पूरा मेन्यू भी, हाँ भैया ठीक हुआ, पूरे भैया ने पूरा मेन्यू छापा हुआ है, सारी कॉफियां, कह रहे भैया सूप है, ये कैसे कैसे होता है ये बताना। तुमने कैसी दी यार, ये जैकेट स्टाफ ने नहीं करी, ये आके बोरे में से निकाली थी मैंने, ये स्टाफ ने नहीं करी। वैसे मेरा एक सपना है आपको एक टैटू बनवाना है, मैं बनवा के दूंगी। कहाँ पे? वो मत्थे पे क्वेश्चन मार्क वाला। ये परेश रावल थोड़ी ना, हर जगह अब देखो भैया कॉफी शॉप पे सूप मिलता है, फिर उसने कॉफी बनाई बंदे को देने के लिए, कह रही भैया ये किसको जा रही है, कहता इंसान को। आपने बोला नहीं किसको जा रही है कॉफी? बढ़िया तो ये हुआ था, कॉफी किसी और की बन रही थी, कहती भैया टेस्ट कर लूं इसमें से। मैंने पूछा ये कॉफी किसको जा रही है, उसने कहा आपके पड़ोस में, फिर कहता स्ट्रांग है कॉफी, वो कहता स्ट्रांग ही होती है। लाइट कॉफी कौन सी होती है? अरे मैंने उनको बोला हेजलनट्स है, मैंने कहा हेजलनट्स नट्स होइए ना, कैसे है दोबारा बोलियो। लेकिन पता है ये इनकी फैमिली में दांत से हवा निकल रहा, अंकित भी समोसे को फमोफा बोलते हैं, देखो बोला समोसा समोसा तुम बोला सारी तू एक चीज बुलवा ले, मैं तेरा जो ट्रिप कहेगी तू सिंगापुर का कोई गुरु ओपन ही कर दूंगा। क्या क्या बोलवा इससे बोला? ओ भाई ओ भाई आज का भी टाइटल लिया, वो मार दिया, वो मार दिया, वो मार दिया भाई, तेरे को मार दिया, मार दिया, बचाओ बचाओ आगे, बचा लो बचा लो, अंकित अच्छा ठीक है, वो भी तो टाइटल मिल गया। ओ भाई मारा, वो सही में मारा, पकड़ना भाई, भाई बोला भैया नाराज हो जाएगी, ये सारी कसमें समझ आ गई मुझे तुम्हें, टॉयलेट रोल की कसम, तुम्हें रोल की कसम, ओ गॉड, बचाने वाले भी आ गए, देखो कार बुलानी पड़ी, जीजू ने बुला ली बंदे, पर तुम समोसा बोलो एक बार, तुम बोलना वो क्या बोलना क्या था ये तो बोलो, बोलना क्या था जीजू ने एक बार और बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, खाया हो आपको इतना नहीं खाना चाहिए था, बटन देखो स्वेटर के बटन में झांक रहे हैं बस, अरे मैंने खोले थे पहले तो स्वेटर, हम समझ सकते हैं खाने से पहले तो बटन खोल के खाती है, ऐसी देखो मेरा बच्चा, सीरत मम्मी का बाल कर दो। फ्रेंड्स हम लोग घर पहुंच चुके हैं और बहुत सारी मस्ती मजाक सब कुछ कर लिया है, और घर आते ही काम वाली अपने काम में लग चुकी है, देखो। और प्लीज आप लोग कमेंट में बोल दो कि जहाँ जीजू बोल रहे हैं वहाँ जाने के लिए ये मान जाए, क्योंकि मेरा बहुत मन है, मेरा मुश्किल है यार, चलो देखते हैं बाकी कल एक बार देखते हैं, और तो बस यही पे हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी,
और हमारी मौज मस्ती देखते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और अच्छा अच्छा अपना प्यार दिखाते रहिए। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है क्या? खाते रहिए, दिखाते रहिए। अच्छा तेरे को वैसे ऐसे भी लग रहा, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया बोलने का। वो तो नहीं पता, मुंह टेढ़ा लग रहा है। किसका? तो तेरा बड़ा सीधा लग रहा है। बोलियो ये क्या? ये आजकल स्टाइल सीखना पड़ेगा ना। गाय भी ऐसे सींग मारती है। तुम भी सीखो मेरे साथ। तुम्हारा तभी एक्सीडेंट हुआ ना, गाय ने सींग मारा था। तो तू उस समय तेरे सींग नहीं थे ना। चलो हमारा ऐसा चलता रहेगा, तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्लीज एक बार अंकित को बोल दे कि प्रिया की बात मान जाओ, हैशटैग प्रिया की बात मान जाओ। ठीक है, बाय। कल मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, तब तक बाय। और हां तीरथ का बाय तो नहीं बोल रहे, छे बाय बाय बोली सी तू। बाय बोल दो। बाय कह दे एक बार। बोल दे ये कह रही मैं रात को 12 बजे कौन सी माता आती थी। बोल दे एक बार बाय कह दे। बाय बोल, कल मिलूंगी दोबारा। बोल दे, बोल पक्का। ऐसे कर दे, करियो जल्दी कर। छोड़ो वो अभी मोमोज नहीं पचे, उसके बाद में। बाय बाय।